केंद्र हो या राज्य, दोनों ही सरकार के पास किसानों के लिए वही रटा रटाया राग रहता है, किसानों की आय दोगुनी करना। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश क्षेत्र में खेती प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर है, वहां खेती से आय दोगुनी करने के सपने बेमानी से लगते हैं। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा कर रही है, लेकिन मौसम की मार ने दिल्ली NCR, सैदपुर उत्तर प्रदेश किसानों का बेहाल कर दिया। खेत में भरा हुआ बरसात का पानी, गिरी हुई फसल और खेत में बैठकर चिंता करते हुए किसान ने तस्वीरें गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की, जहां कई दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से खेतों में पानी ही पानी है। धान की फसल बरसात ज्यादा होने से गिर गई, जिससे पैदावार कम होने का अंदेशा है, तो वहीं साग सब्जी की फसल भी पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर। मौसम की मार के चलते किसान परेशान है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर सभी इलाकों में लगातार के दिन तेज बारिश हुई, जिसमे किसानों के चेहरे को मुरझाया रख दिया और खेत की सूरत बदल कर रख दी। ऐप के बारे में बताया गया है, सरकारी ये बीमा के बारे में बताया गया है, 365 रुपए का जो बीमा बता रहे हैं, और किसान कल्याण मिशन के तहत दवाइयों के बारे में बताया जा रहा है, और ये जो सरकारी छूट पे जो हमें रोटावेटर वगैरह, कल्टीवेटर, सीडिल्स मिल रही हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, बीजों के बारे में बताया जा रहा है, और इससे हमारी आय दुगनी होगी। क्या लगता है इससे फायदा किसानों को, उनकी आमदनी में? नहीं, जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें जानकारी मिलेगी तो हमारी आय हमेशा बढ़ेगी। किसान पाठशाला के माध्यम से हम लोग कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं और कृषि से संबंधित जो अन्य विभाग हैं, जैसे पशुपालन, सहकारिता, उद्यान, ये सभी विभागों की योजनाओं को हम कृषकों के मध्य में विशेषज्ञों के माध्यम से ले जा रहे हैं। इससे क्या है कि जो जानकारी किसान है गांव में ही, गांव के किसी प्राइमरी पाठशाला पे इकट्ठे होके अपनी चर्चा कर ले रहे हैं, उनकी कोई बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं वो भी हम लोग नोट कर रहे हैं, और उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो भी हम नोट कर लेते हैं। तो इस कारण ये किसान पाठशाला जो है किसानों के मध्य में बहुत अच्छी जानकारी लेने का और उनके फीडबैक प्राप्त करने का एक माध्यम बना हुआ है। सर, बीजों की और कीटनाशक की बात करें तो किस तरीके से उनके बारे में जानकारी दी जा रही है? देखिए, बीजों की जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं, चाहे हम खरीफ फसल की ले लें या रबी फसल की ले लें या जायद की ले लें, ये तीनों फसलों में जो भी उन्नतशील प्रजातियों के बीज हैं हम उनकी जानकारी देते हैं। जैसे रिपोर्टर अविनाश कश्यप की रिपोर्ट।